उपखंड क्षेत्र के किसानों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जोहड़ पतायन की भूमि उपखंड कार्यालय का घेराव किया। वरिष्ठ भाजपा नेता मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम मार्फत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय के आदेश की सही व्याख्या न करते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र यहां दशकों पूर्व नहरों, वितरिकाओं, खालों का जाल बिछ जाने पर यहां जोहड़ पतायन का अस्तित्व एवं महत्व ही समाप्त हो चुका है। फिर भी इस क्षेत्र के उन किसानों की भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि मानते हुए अरसा 40-50 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। उच्च न्यायालय राजस्थान मुकाम जयपुर पीठ द्वारा रिट याचिका 1115320111 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश 29 मई 2012 की मूलभूत जिला जयपुर में बने रामगढ़ डैम के बिंदु एवं राजस्थान के प्राकृतिक जल स्रोतों तक बरसात का पानी पहुंचाने वाले साधन तथा जोहड़ नाला, तालाब व नदी आदि को एवं इनके कैचमेंट एरिया से पानी एकत्रित होता है उसकी सुरक्षा करना आज भी आधारभूत से अति आवश्यक है। इसी परिपेक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में वर्ष 1955 की स्थिति उक्त प्राकृतिक जल स्रोत बाबत कायम करने हेतु राज्य सरकार को आदेशित किया। अभी हमने ज्ञापन दिया है सारे किसानों ने, जो यहाँ पीड़ित किसान है वो सारे इकट्ठे होके यहाँ आए हैं। उनका ये कहना है कि जब ये 74 क्षेत्र में आउंटन खरी थी ACC अनूपगढ़ में, तब हमें उस टाइम 17,500 रुपये लाइट रूम जमीन के रेट थे। उससे 5 गुना 6 गुना जमीन के पैसे लेकर के हमें ये जमीन आउंटन करी। हमने बड़ी मेहनत से जमीन को सुधार के पूरा खर्चा लगा के इसको उपजाऊ बनाया और आज जब इसमें उपज होने लग गई तो सरकार कहती है ये जोहड़ पायतन है। हमें उस टाइम का ना कोई जोहड़ पायतन का पता था, ना पशुओं के जोड़ का पता था कि यहाँ क्या होने वाले हैं, आगामी भविष्य में क्या होगा। तो हमने सारे पैसे भर के खातेदारी ले ली, किसानों को खातेदारी मिले हुए 40 साल हो गए। अब सरकार कहती है इसको रकबाराज घोषित करेंगे, आपसे कब्जा लेंगे, आप कहीं जाओ मरो, क्यों कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार को इससे इनको उजाड़ने से मतलब है, न यहाँ कोई जोड़ बनना है, ना पशु ने पानी पीना है, क्योंकि हर आबादी में 2-2 छप्पड़ ऑलरेडी बने हुए हैं पशुओं के लिए। जो नहर से पानी आता है, आउटलेट का पानी आता है, पशुओं को पीने की व्यवस्था गांव वालों ने कर रखी है। कोई पशुधन आवारा नहीं फिर रहा जिसको पानी की जरूरत है। तो ये सर्वथा मिथ्या बात है कि यहाँ जोड़ पायतन की जरूरत है। तो इसको कानून को वापस लिया जाए। कोई एक सिर्फ आदमी था जो हाईकोर्ट में उसने रिपोर्ट कर दी, उसमें एप्लीकेशन लगा दी और ये निर्णय हो गया कि पूरे राजस्थान में जोड़ पायतन खाली करवाए जाएं, जबकि ये सर्वथा किसानों के विपरीत है और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, किसानों को उजड़ने नहीं देंगे। किसी हद तक जाना पड़ा तो किसानों को साथ लेकर के संघर्ष करेंगे, धरने पे बैठेंगे और इनका हक दिलवा के रहेंगे। क्योंकि एक बार खातेदारी मिल चुकी है, 5 गुने पैसे भर दिए हैं, तो अब वापसी काहे की, क्यों किसान लड़े। हाईकोर्ट में जाते फिर रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड में जाते फिर रहे हैं, किसानों को पैसे लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये जो है किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा सरकार को ये आग्रह कि वो दोबारा इस पर पुनर्विचार करें और जहाँ जोड़ की जरूरत नहीं है, पशुधन जहाँ खुला नहीं फिरता है, आवारा नहीं फिरता है और पेयजल की व्यवस्था पानी के लिए और पशुओं के लिए भी की हुई है छप्पड़ों की, वहाँ से ये कानून, काला कानून हटाया जाएगा।